गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 7 का मैंने पिछले कक्षा में बताया था नंबर डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टुडे आई टेल यू अबाउट देयर सम पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले एट फर्स्ट आई नो दैट यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। I know that you surely learn to this definition. आज मैं आपको उसके कुछ अध्याय जो शेष काइंड्स हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स वह है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड क्वालिफाइज नाउन योर प्रोनाउंस, जो संज्ञा या सर्वनाम के बदले की विशेषता को बतलाता हो, जो गुण दोष को बतलाता हो, अच्छे बुरे को बतलाता हो, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आइए कम टू द पॉइंट, लिसन टू मी प्लीज। आज ये हमारी बातों पर ध्यान देंगे और इसे गौर से देखेंगे कि हाउ टू एक्सपेल दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू एक्सप्रेशन एंड हाउ टू डिफाइन दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, योर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इज नेम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जिसे हम लोग गुणवाचक विशेषण के नाम से जान जाते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। क्या है, आप जानते हैं जिस विशेषण से गुण या दोष किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को जो दर्शाता हो, बतलाता हो। आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी सो द पर्सन, सो द क्वालिटी ऑफ पर्सन योर थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वह है गुणवाचक विशेषण, उसे कहते हैं जो किसी वस्तु व्यक्ति के गुण या दोष को बतलाता हो, सूचित करता हो, सो मतलब दिखाता हो, दर्शाता हो, इंकित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे हम कहेंगे दिस इज ए ब्लैक मैन, या एक काला आदमी है। दिस इज ए ब्लैक फ्रॉक, या फ्रॉक कैसी है, तो एक काला है। दिस इज ए रेड पेन, या पेन कैसी है, तो इसका गुण क्या है, इसमें कौन सी इसकी गुण है, तो ये लाल कलर की है। तो इस प्रकार से इसकी क्वालिटी, इसकी गुण के बारे में बतलाता है, इसके दोष के बारे में बतलाता है। आई एम ए पुअर मैन, आई एम ए गुड मैन, आई एम ए बैड मैन, ये उनके गुण और दोष को बतलाता है। तो यहां लिखा हुआ है, आपका उदाहरण दिया हुआ है कि द बोर्ड इज व्हाइट, बोर्ड किस तरह है, तो उजला है। ही इज टॉल, वह कैसा है, लंबा है। इट इज वेरी कोल्ड, तो कोई भी वस्तु है, बर्फ मान लो, सपोज दैट आइसक्रीम है, तो बहुत ठंडा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कैसा है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, तो ठंडा है। तो बच्चों आप इस पर ध्यान देंगे। दूसरा आपका टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा या भार, किसी भी वस्तु की मात्रा या उसके भार को हम क्वांटिटी कहते हैं। तो इसको देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी 16, ये क्या इंकित करता है, हाउ मच ऑफ ए लिटिल थिंग एमिट, मतलब ये किसी वस्तु की भार या वजन को बतलाता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मच, मनी, लिटिल, सो, एनफ, ऑल, ये सब क्या है, होल, नो, एनी, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, नहीं के बराबर, ए लिटिल, नहीं के बराबर, लिटिल मतलब कुछ कुछ। आपको ये भी बताया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, ए लिटिल, मेनी, ए फ्यू, और मच, यू व्हाट ए डिफरेंट, ये हम लोग आगे क्लास में इससे पढ़ेंगे। तो अभी हम सब पहले पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा को दर्शाता है किसी वस्तु को। जैसे ही हैज ए लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वह पूरी संपत्ति को अपने खो दिया। ही हैज ईट ऑल हिज वेल्थ, पूरे संपत्ति को खा गया। तो ये ऑल, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपये हैं, आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मच, लिटिल, एनफ, इट इज इसके बाद हम किसी भी वस्तु का नाम रख देंगे। तो ऐसे ले लो, आई हैव ए लिटिल, आई हैव ए लिटिल, आई हैव सम मिल्क, आई हैव लिटिल राइस, आई हैव लिटिल
sugar, I have enough sugar, it is, इस तरह से हम इसे क्वांटिटीज के मात्रा मात्रा इसको हिंदी में कहते हैं मात्रा। तो परिणाम परिमाण वाचक इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। आपको पहले ही हिंदी और इंग्लिश इसका काइंड के बारे में कुछ बताया गया है, अब उस पन्ने को थोड़ा पलट कर देखें और आज के बताए गए इस पाठ पर भी ध्यान दें बच्चों, तभी आप अपने दिमाग में इसे आसानी पूर्वक से बिठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका देखें क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सो हाउ मेनी मच पर्सन योर थिंग्स, उसमें लोगों या वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन योर थिंग, उस क्रम को किस क्रम में रखते हैं, व्हाट इन व्हाट ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में रखना, किसी वस्तु को या व्यक्ति को कैसे हम क्रम में रख सकते हैं वैसे हम कैसे देखते हैं। आइए ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन ही मोरल, सब देखो आदमी मरणशील है, एक दिन सभी लोग मरेंगे, ऑल मिल्क इज व्हाइट, सभी दूध क्या है, व्हाइट है, कोई दूध ऐसे है जो काला पीला हो सकता है, नहीं। तो ये उसकी मात्रा को संख्या को बतलाता है। तो सभी जो जितने हैं सब हैं, ही वाज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी नंबर ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये भी संख्यावाचक है, एक दो तीन चार, देर आर ए फाइव काउस, देर आर ए टू काउस, देर आर ए हंड्रेड पुलिस, ये देर आर ए हंड्रेड स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, एडजेक्टिव और नंबर है। और क्या है, हम लोग लिखते हैं कि दिस इज ए काइट, द काइट हैज टू आईज, टू ईयर्स, वन टेल एंड ए फोर लेग्स, ये सब क्या है, संख्या मात्र, कितने आंख हैं, दो, कितने कान हैं, दो, कितने पैर हैं, चार, जिसे हम नंबर ऑफ एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। चौथा आपका है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाना, इंकित करना, किसी को बतलाना ही डेमोस्ट्रेटिव, संकेत वाचक, जिसको हम लोग कहते हैं संकेत वाचक, दी दोज, ये इसके एक प्रमुख उदाहरण है, जैसे दैट इज ए मैन, दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए बुक, दीज आर पेंसिल्स, दीज आर बुक्स, दीज आर कार्स, दैट इज ए ब्लैक कार्स, दैट इज ए गुड मैन, ये सारी चीज अंकित करते हैं, इसे हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आपके बोर्ड पर सारी चीज लिखा गया है, आप इसे अपने नोटबुक पर उतारने का प्रयास करें बच्चों। मैं आपसे आग्रह ही करूंगा कि जो भी आपको बताया जाते हैं, आप ऑनलाइन में अगर जुड़े हैं तो उस मोबाइल चैनल को आप खोलें और उसे बस समयानुसार उसका प्रयोग करें। हम लोगों ने आपको कुछ बहुत कुछ देने का प्रयास किया है और उसे लेने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।